भाई मैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रंचेस भी करता हूँ, कार्डियो करता हूँ और एब्स का वर्कआउट करता हूँ, पर मेरे एब्स नहीं आ रहे हैं। तो तेरे ऐप्स नहीं आ रहे हैं क्या? आपके भी ऐप्स नहीं आ रहे हैं? तो रीज़न ये है कि आपके ऐप्स कभी आपकी तरह से बनेंगे ही नहीं, ठीक है? तो वो चीज़ें जेनेटिकली होती हैं। अगर आप सिक्स पैक ऐप्स लेके पैदा नहीं हुए तो आप चाहे कितनी मशक्क़त कर लीजिए, 500 क्रंचेस कर लो, लेग रेस कर लो, कोई भी ऐसे वर्कआउट कर लो जिससे आपकी इंटेंसिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे, आपका एब्डोमिन में दर्द होगा बट अभी भी आप ना वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे जो चीज़ आपके पास जेनेटिकली ही नहीं है। अगर तेरे रेक्टैप्स एब्डोमिन में अभी तो फैट रेशियो बहुत ज़्यादा है तेरी बॉडी में, चाहे तो बॉडी का फैट परसेंटेज कितना भी डाउन कर ले, बट जब तक आप भी सुन लीजिए, जब तक आप अपनी बॉडी में जेनेटिकल ही वो चीज़ को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली है ही नहीं, ठीक है? अगर आप एब्स ही दो पैक जो बिस्किट हैं, दो ही बिस्किट लेके पैदा हुए हैं या चार बिस्किट लेके पैदा हुए हैं, तो वो उतनी विजिबिलिटी के साथ में उतनी चीज़ें दिखेंगी। आपका जो रेक्टस ऑफ एब्डोमिन एरिया है, आप उसमें प्लैंक कर लीजिए, क्रंचेस कर लीजिए, व्हाटएवर कुछ भी कर लीजिए, आप डाइटिंग बहुत अच्छी कर लीजिए, अगर वहाँ पे फाइब्रेटिक चार आपके एब्स होंगे रेक्टस एब्डोमिन पे, ठीक है, तो वो चार ही शो करेंगे। तो ये रीज़न है एब्स ना आने का। अभी तो तेरी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो इसलिए अभी तेरी बॉडी में फैट की वजह से एब्स नहीं दिख रहे होंगे, बट जब भी आएंगे विजिबिलिटी जितनी वो होगी वो उतनी ही होगी, ठीक है? समझा मेरी चीज़ को? ओके भाई, ठीक है। तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और ऐसे टिप्स के लिए फॉलो कर।